ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के केस में जनरली जो फोकल लेंथ ली जाती है वो नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे होगी और लाइट रे ऐसे आएगी, तो फोकल लेंथ जो लेंगे वो -20 सेंटीमीटर। ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, साइन कन्वेंशन भी मैंने पढ़ाया, आप सारे वीडियो लेक्चर्स एक बार देख लो तो आपको पूरी थ्योरी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन और पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। अभी देखो इमेज यहाँ पे बड़ी बन रही है, तो यहाँ पर इमेज जो बड़ी बन रही है, तो कनकेव मिरर के केस में एक ही ऐसा केस लेते हैं जिसमें हमारी जो ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट रियल और इमेज वर्चुअल होती है। बाकी सारे केसेस में जो इमेज होती है वो हमारी रियल इमेज आती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको कहा गया है कि ऑब्जेक्ट इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज, मीन्स हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम लेंगे वो यहाँ पर कितनी होगी, 2, बिकॉज डबल है। हाइट ऑफ इमेज क्या है, डबल है, और इस टर्म को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। नाउ इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो -V/U, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -V/U, मीन्स आपको यहाँ से वी इज इक्वल टू -2U मिल जाएगी। तो ये केस आया हमारा। एंड थोड़ा आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर कहा गया पोजीशन या पोजीशंस, इसका मतलब मैं आपको सॉल्व करने के बाद बताता हूँ। 1/V + 1/U मिरर फॉर्मूला लगा देंगे इज इक्वल टू 1/F। तो अब यहाँ से सॉल्व करोगे 2U LCM -1 + 2 इज इक्वल टू 1/-20, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2U/1 इज इक्वल टू -20, मीन्स यू इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन आया। क्या और भी पोजीशंस हो सकते हैं? -10 सेंटीमीटर मतलब कि उस तरफ 10 सेंटीमीटर। सेकेंड केस, क्या और भी पोजीशंस हो सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स हो सकते हैं, जब हमारी मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव आई। यहाँ पर हमने मैग्निफिकेशन क्या ली है, पॉजिटिव प्लस टू ली है। तो अगर हमारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाए, मीन्स हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड हो जाए। इस केस में हमने क्या किया, इमेज को और ऑब्जेक्ट को एक ही ऊपर लिया, इसीलिए यहाँ पर केस ऐसा आया है। तो एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें हमारी मैग्निफिकेशन जो है वो -2 हो, तो -V/U, यहाँ से आपको V = 2U मिलेगी। अब इसके लिए अगर मिरर फॉर्मूला लगाते 1/V + 1/U = 1/F, तो आप 2U यहाँ पर लिखोगे 1 + 2 = 1/-20, तो आपको यहाँ से 3/2U = -1/20, मीन्स यू इज इक्व टू 10 - 30, तो -30 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान देंगे, समझेंगे, बना लेने से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो गया। अब हम समझेंगे, यहाँ पर ये समझेंगे कि फोकल लेंथ है -20, एक केस में आई है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -30, मीन्स बियॉन्ड एफ और सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगी, 40 पे, और फोकल लेंथ 20 पे, उसके बीच में है ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अब इस केस में देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -10, मीन्स फोकल लेंथ और जो हमारी पोल है उसके बीच में, इस केस में हमारी इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दो केसेस आ गए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन हो सकता है वो हो सकता है या तो 10 सेंटीमीटर इस तरफ लेफ्ट की तरफ, या फिर 30 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ। ये दोनों ऑप्शंस इसमें पॉसिबल है। तो कुछ इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। 350 से अधिक वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जेई मेन, नीट, एडवांस, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते चले जाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज़, एंड कमेंट करके हमें बताइए और कौन कौन से टॉपिक्स है जिसके क्वेश्चन आप चाहते हो।